ये सारी गड़बड़ उस कुंदन की वजह से हुई है। उन लोगों को पता चल गया है कि तुम लोग आमिर कोर्ट में छुपे हुए हो। यहाँ मेरे पोस्टर छप गए हैं, सारा शहर मुझे ढूंढ रहा है और आपसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया है। अब तो और भी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग रानी को ढूंढने आमिर कोर्ट आ रहे हैं। सुनंदा का एक फार्म हाउस है वहाँ, हम वहीं रुकने वाले हैं। तुम एक काम करो, जहाँ छुपे हुए हो वहीं छुपे रहना, बाहर निकलोगे तो पकड़े जाओगे। पर आपने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहा तो तुमने भी था ना कि काम एक दिन में हो जाएगा, ना तुम पकड़े जाते और ना बात यहाँ तक पहुँचती। रानी एक जाल बन चुकी है जिसमें हम दोनों फंस सकते हैं। अब इस जाल को काटना होगा। मतलब? रानी को मार दो। आप पागल हो गई हैं? रानी को मार के क्या मिलेगा? रानी के मरने के बाद सुनंदा खुद ही सदमे से मर जाएगी, और फिर भी अगर बेशर्मों की तरह नहीं मरी तो मैं उसे जहर दे के मार डालूंगी, और सबसे कह दूंगी कि बेटी की मौत के सदमे में माँ ने आत्महत्या कर ली, और फिर जो उन दोनों का है सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। पर मैं तो ले सकती हूँ। ये मत भूलो कि तुम्हारा एक छोटा भाई है जिसे पैसों की बहुत जरूरत है। राज भैया मुझे बचा लो, राज भैया, राज भैया बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, राज भैया, राज भैया बचा लो। डर मत देव, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये स्टुपिड टिंगर खुद को समझता क्या है? यहाँ से भागकर अपनी मॉम के पास चली जाऊंगी, तब इसे समझ आएगा। अगर सच में असल जिंदगी में प्यार नहीं होता तो इस फोटो को देखकर मुझे इन दोनों के बीच के प्यार का एहसास क्यों हो रहा है? गायत्री, हॉट चॉकलेट फज, ये तो किसी रियल लाइफ रानी की डायरी लगती है। ओह माय गॉड, रॉयल डायरी। राणा जी कहते हैं कि वो मुझसे नफरत करते हैं, कि ये शादी उनके लिए सिर्फ एक सौदा है और कुछ नहीं। पर ऐसा है तो क्यों हर बार मैं उनकी ओर खींची चली जाती हूँ? अगर ऐसा है तो क्यों उनकी आंखों में देखते ही मैं खुद को खोने लगती हूँ? अगर ऐसा है तो क्यों वो मेरी हर तकलीफ में मेरे साथ आके खड़े हो जाते हैं? ये तो बिल्कुल मेरी कहानी लगती है। बात कर रहे हैं जो हमारे यहां आने वाला है। मैंने तुम्हारे घर पर बात की है, तुम्हारी मां अच्छी हैं और तुम्हें जल्दी यहां से ले जाएंगे।
तुम्हारे भाई के दिल में छेद है और अगर जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। जो कहानी राणा जी की मौत से खत्म हो सकती थी वो उनके प्यार की वजह से जिंदा रही। उनके प्यार की निशानी थी मेरी पोती रानी गायत्री सिंह देव। मुझे मेरा आंसर मिल गया। अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर मुश्किल को पार कर जाता है। ये स्टूपिड टिंगर माने या ना माने मेरा प्यार एकदम सच्चा 100% वाला। अब ये सच्चा प्यार हर मुश्किल रास्ते को पार कर जाएगा। मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी भी। मैं अपने प्यार के लिए जीऊंगी। मेरे भाई की जिंदगी के लिए तुम्हें मरना होगा रानी। हॉट चॉकलेट फज, तुम गन लेकर क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कोई आवाज सुनाई दी। वैसे तुम एक टाइप के सड़ू भी हो और एक टाइप के क्यूट भी हो। जरा सी आर्ट सुनाई नहीं थी कि गन लेकर मुझे प्रोटेक्ट करने आ गए? और फिर कहते हो कि तुम्हें मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। कल रात तुमने बोला था और मैंने सुना था, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। ये क्या मजाक है? ये क्या कर रही हो रानी? मैरी मी, शादी कर लो मुझसे अभी इसी वक्त। मजाक की भी एक हद होती है रानी। मजाक की होती होगी पर प्यार की कोई हद नहीं होती। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते? जब एक नॉर्मल फैमिली से आई हुई गायत्री आमिर कोट की सबसे ब्रेव, सबसे सुंदर, सबसे बड़ी रानी, रानी गायत्री देवी बन सकती है, तो एक नॉर्मल फैमिली से आया राजू एक रानी का हस्बैंड क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। अपने आप के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए तो सोचो। मेरी मॉम को मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। उनकी खुशी उसी में है जिसमें खुशी मेरी है, और मेरी खुशी तुमसे है राजू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे छूकर बोलो कि जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता। बोलो। बकवास बंद करो अपनी। रानी, तू ठीक तो? रानी, रानी को मार दो, ये मत भूलो कि तुम्हारा एक छोटा भाई है। राज भैया मुझे बचा लो, राज भैया बचा लो। शादी कर लो मुझसे।
अपने भाई की जान बचाने के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। क्या हुआ? कुछ पता चला कहाँ हो सकती है रानी? रानी का तो कुछ नहीं पता चला, पर राज सिंह के बारे में खबर मिली है। उसे इसी हाईवे के एक चाय के दुकान पर देखा गया था। क्योंकि ये देर रात की खबर है तो चांसेस यही हैं कि उसने अपना अड्डा नहीं बदला होगा। अरे लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो रानी को कहीं और लेकर चला जाए। मॉम देखिए आप घबराइए मत, विक्रम ने अपने आदमी सादे कप में वहाँ फैला रखे, वो रानी को ढूंढ निकालेंगे। रानी को कुछ भी नहीं होगा मॉम, स्वीट डोंट। मामी जी कुछ नहीं होगा रानी को। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि रानी के साथ बहुत बुरा होने वाला है, वो किसी खतरे में। देखो माँ का दिल कभी कभी झूठ नहीं बोलता है। माँ का दिल सच ही बोल रहा है सुनंदा, बस राज ने अपना काम कर दिया हो, समय रहते उसे भी आगाह कर देती हूँ। मामा आप कहाँ जा रहे हो? आते वक्त बाहर मंदिर देखा, सोचा रानी की सलामती के लिए वहाँ जाके प्रार्थना करूँ। गुड आइडिया, मैं भी आपके साथ चलूँ। तू क्यों जा रही है? पर मम्मी मैं क्यों नहीं? मेरा मतलब है बेटा तुम यहाँ रुको, सुनंदा का ख्याल रखो, देखो क्या हालत हो रही है उसकी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये क्या कर रही हो? जो तुम्हें करना चाहिए था जब मैं बेहोश थी, यू स्टुपिड टिंगर, तुम मुझे बेहोश छोड़कर यहाँ रो रहे हो। मुझे बेहोश करके तुम्हारा हॉट चॉकलेट फज क्यों बन गया? तुम नहीं समझोगी, वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। अरे पागल हो गई तुम, दिमाग है या वो भी चॉकलेट के साथ खा गई? पागल थी तो नहीं पर तुमने कर दिया। जितना तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही तुम तहकीकात के केस की तरह उलझते जाते हो। अब ये केस तुम खुद सॉल्व करोगे या डिटेक्टिव को बुलाऊं? दो मिनट पहले मुझे मारने वाले थे और अब मुझे बचा रहे हो, मुझसे प्यार करते भी हो और कहते भी नहीं, आखिर क्यों? हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम अकेले सड़ते बैठे हो? हाँ बताओ क्या मजबूरी है ऐसी तुम्हारी? देव! देव है मेरी मजबूरी, मेरी कमजोरी, मेरा सब कुछ। ये देखो ये है मेरा छोटा भाई देव, इसी की जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें किडनैप करने के लिए हाँ कहा। What? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाया? सच तो ये है रानी कि मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड की नौकरी ही इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें आसानी से किडनैप कर सकूं। और फिर तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आ गई। मुझे लगा था कि मेरा काम आसान हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली फिरौती के पैसे दे देगी और मैं चुपचाप वहां चला जाऊंगा जहां से आया था। लेकिन उस कुंदन ने पुलिस को खबर करके सारा खेल बिगाड़ दिया। मेरे ऑर्डर्स तो सिर्फ तुम्हें ठीक ठाक वापस पहुंचाने के थे, लेकिन पुलिस के डर से अब वो बदल गए। अब मुझे तुम्हें मारने को कहा गया है। ओह शट अप, जस्ट शट अप। आई नो तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करने से डरते हो, इसलिए स्टूपिड सी कहानियां बना रहे हो। मैं तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ? पहचानना ही चाहती हो ना तुम मुझे, तो अब ठीक से पहचान लो। देखो इसे, देखो ये घाव, मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तुम्हें, लेकिन अपने दिए हुए घाव पर तो यकीन करती हो। यही मारा था ना तुमने अपने किडनैपर को?
कौन है वो जिसने तुम्हें मेरी किडनैपिंग के ऑर्डर दिए? कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है? टेल मी डैमिट। जैसा राज ने बताया था वैसा तो यहाँ यही एक महल है। पुलिस वाले उस तक पहुंचे उससे पहले मुझे राज को वहां से निकाल देना चाहिए। ना रहेगा गवाह ना होगी गवाही। इस पूरे कांड में आनंदी का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उनका नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम तो सचमुच में दगाबाज निकले राज सिंह। मैं आखिरी बार आराम से पूछ रही हूँ, सीधे सीधे मुझे उसका नाम बता दो तो मैं फिर भी तुम पे तरस खा सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। और सच उगलवाने के उनके तरीके कैसे होते हैं कि तुम भी जानते हो। प्लीज रानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे भाई वहां उनके कब्जे में है। अगर मैंने तुम्हें उनका नाम बता दिया तो वो मेरे देव के साथ पता नहीं क्या। और मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी ये तुम नहीं जानते। तुमने अगर सिर्फ मुझे धोखा दिया होता तो बात अलग होती राज सिंह, पर तुमने मेरी मॉम को भी धोखा दिया है। उन्होंने मुझसे ज्यादा तुम पे भरोसा किया और तुमने क्या किया? तुमने उनके भरोसे को हॉट चॉकलेट फज कर दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो रानी, मैं मजबूर था उस वक्त। उन लोगों ने तो मुझे तुम्हारी जान लेने को कहा, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। अपने भाई की जान बचाने के लिए मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलाओ गोली, किल मी, खत्म कर दो वो काम जो तुमने लिया था, सब कुछ खत्म कर दो, किल मी। तुम लोग वहां घेरा बना के रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। राज और रानी का पता चल गया है। राज ने उसे आमिर कोट के पुराने महल में छुपा रखा है। तो हम वेट क्यों कर रहे हैं? लेट्स गो। हाँ चलो जल्दी। आंटी आप क्यों? मॉम आप कहाँ जा रही? देखिए वहां पे कुछ भी हो सकता है। अरे मेरी बेटी की जान खतरे में और मैं यहाँ चुपचाप बैठी रहूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो तुम दोनों के रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इस वक्त वक्त बर्बाद ना करे तो अच्छी बात है। चलो चलो अपने भाई को, तुम्हारी भी प्रॉब्लम फेने तो मेरी भी। नहीं रानी प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। तब मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूं? मैंने मजबूर होकर गलती की है रानी, पाप नहीं कर सकता मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दो इमोशनल बात करोगे मैं तुम्हारा भरोसा कर लूंगी? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। यही थी ना तुम्हारी चाल कि मुझे अपनी बातों में फंसाओगे? और जब मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा जाने लगूंगी तो मेरी जान ले लोगे। मॉम कहती थी कि सच्चे प्यार में ताकत होती है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि प्यार सबसे बड़ी कमजोरी होता है। मैं स्टूपिड थी जो प्यार जैसे स्टूपिड इमोशन को रियल मानने लग गई। पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा जादू चलाया, मैं तुम्हारा असली चेहरा भी नहीं देख पाई। लाइफ में पहली बार अपने दिल की बात किसी से शेयर की और देखो वही सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। गलती तुम्हारी नहीं है राज सिंह, मेरी है। मुझे कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था। कभी नहीं। I'm so stupid, I'm so stupid. नहीं नहीं, प्लीज रानी ऐसा मत करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो हाथ मेरा। किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। कमबख्त को एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाया। रानी की जुबान अब तक चल रही है, लगता है आनंदी को ही उसकी जुबान बंद करनी पड़ेगी। I'm sorry, Rani.
रानी। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की आंखों में आंसू आए। तुमने उन्हें मेरी चिट्ठी भी नहीं पहुंचाई होगी। I hate you। मेरी बात सुनो रानी, ये क्या बचपन है? 5 दिन की बात है रानी, प्लीज प्लीज मेरा साथ दे दो। ना तुम्हें कुछ होगा ना तुम्हारी मॉम को। प्लीज 5 दिन तक यहीं छुपी रहो। मैं सबसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया, वो लोग मेरे भाई को छोड़ देंगे। मैं वादा करता हूँ रानी, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ाऊंगा। फिर कभी जिंदगी में तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी रानी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जो कुछ भी तुमने किया उसके बावजूद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? मुझे जो सजा देना चाहती हो दे दो रानी, लेकिन प्लीज मेरे भाई की जान बचा लो। मैं तुमसे उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूं।